वेलकम फ्रेंड्स, माय फाउंडेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये है आपका एनी टाइम क्लासरूम। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में एक बेल आइकॉन है उसे ज़रूर दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट का पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ माय फाउंडेशन क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, तो ये चला है हम लोगों का करंट अफेयर्स सीरीज, जिसमें हम लोग ले रहे हैं पिछले 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने भी पुराने वीडियोस नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट निकाल के उन सारे वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 21 नवंबर 2017 को मंगल ग्रह मिशन 2020 हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सुपरसोनिक पैराशूट का सफल परीक्षण किया? यानी मंगल ग्रह का मिशन है 2020, उस मिशन के लिए एक स्पेशल सुपरसोनिक पैराशूट बनाया गया है, उसका सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? नासा, इसरो, शर्न या रॉसकॉस्मोस? वो किया गया है नासा, जो अमेरिकी की अंतरिक्ष एजेंसी है, उसका नाम है नासा। उसने मंगल ग्रह के लिए एक स्पेशल सुपरसोनिक पैराशूट बनाया गया, उसका सफल परीक्षण किया गया। 22 नवंबर 2017 को अनुच्छेद 280(1) के तहत सरकार ने कौन से वित्त आयोग का गठन किया? यहां से आपको दो पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहली बात, वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठन किया जाता है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो वो है 280(1) के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 280(1) अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और अभी एट प्रेजेंट कैमवा वित्त आयोग है, 13वां, 14वां, 15वां या 16वां? तो एट प्रेजेंट जो अभी वित्त आयोग है वो है 15वां वित्त आयोग, और गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? 280(1) के तहत। 22 नवंबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आतंकवाद से निपटने में सहयोग हेतु भारत और किस देश के साथ समझौते को मंजूरी दी? तो आपको ये बताना है वह कौन सा देश है, रूस, पाकिस्तान, ईरान या अफगानिस्तान? तो वो देश है रूस, यानी भारत और रूस मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में एक दूसरे का सहायता करेंगे। ठीक है, 22 नवंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संस्था ने किस क्षेत्र को कार्बन क्रेडिट देने की घोषणा की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 22 नवंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संस्था, कौन सा संस्था का नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संस्था, इसने किस क्षेत्र को कार्बन क्रेडिट देने की घोषणा की? काशी वन्यजीव प्रभाग, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या कच्छ क्षेत्र? तो यह है काशी वन्यजीव प्रभाग। काशी वन्यजीव प्रभाग को राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संस्था, जो यूएन का है, इसने कार्बन क्रेडिट देने की घोषणा की है। रुकमा बाई कौन थी, यानी आपको ये बताना है कि रुकमा बाई किस प्रोफेशन में थी? वो अभिनेत्री थी, डॉक्टर थी, लेखिका थी या डांसर थी? तो वो एक डॉक्टर थी। एक्चुअली में अभी रुकमा बाई का नाम हाईलाइट क्यों हुआ है, क्योंकि 22 नवंबर 2017 को रुकमा बाई को श्रद्धांजलि देने के लिए उनका ये 153rd जयंती था, तो उनके जयंती पर गूगल ने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक डूडल बनाया था। ठीक है, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि रुकमा बाई किस फील्ड से हैं। तो रुकमा बाई डॉक्टरी फील्ड से थी और 153rd उनका जयंती मनाया गया 2017 में, और गूगल ने डूडल बनाकर उनको सम्मानित किया। पर इतना फेमस क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी भारतीय महिला डॉक्टर का गूगल ने डूडल बनाया हो। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में थी। 22 नवंबर 2017 को बनी भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट का नाम क्या है? यानी 22 नवंबर को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली नौसेना पायलट बनी है, यानी नौसेना में कोई महिला पायलट बनी है, उसका नाम क्या है? अवनी चतुर्वेदी, दुर्गा बनर्जी, सौम्या राठी या शुभांगी स्वरूप? तो उनका नाम है शुभांगी स्वरूप। शुभांगी स्वरूप भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट हैं। और आपको अभी कमेंट में ये बताना है कि अवनी चतुर्वेदी कौन है। अवनी चतुर्वेदी का नाम अभी अभी करंट न्यूज में बहुत हाईलाइट हुआ है, आपको ये बताना है अवनी चतुर्वेदी कौन है। 23 नवंबर 2017 को केंद्र सरकार ने कितने मेट्रो शहरों में महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर योजना की शुरुआत की? यानी महिलाओं के लिए एक योजना है जिसका नाम रखा गया है सुरक्षित शहर योजना, तो कितने शहरों में किया गया, 4, 8, 6 या 12? तो टोटल 8 शहरों में महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर योजना चालू की गई। तो आपको यहाँ से ये चीज़ याद रखना है कि सुरक्षित शहर योजना किससे संबंधित है।
तो सुरक्षित शहर योजना मेट्रो शहरों की महिलाओं के लिए, ठीक है। सुरक्षित योजना, सुरक्षित शहर योजना किस किन के लिए है, यह मेट्रो शहरों में रहने वाली महिलाओं के लिए है और टोटल 8 मेट्रो शहरों में इसका शुरुआत किया गया है। 23 नवंबर 2017 को साइबर स्पेस पर 5वें वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया, यानी साइबर स्पेस पर 5वां वैश्विक सम्मेलन हुआ है, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, शंघाई, न्यूयॉर्क, पेरिस या नई दिल्ली, उसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में क्या किया गया है, साइबर स्पेस पर 5वां वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन, कितना, 23 नवंबर 2017 को। 24 नवंबर 2017 को एसबीआई ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, यानी 24 नवंबर को एसबीआई ने एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, एसबीआई वुडी, एसबीआई यूनो, एसबीआई डीजी वाउचर या एसबीआई भीम, तो उसका नाम है यूनो, ठीक है, यूनो, इसको लॉन्च किया है एसबीआई ने 24 नवंबर 2017 को, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब योनो का फुल फॉर्म होता है, योनो का फुल फॉर्म होता है यू ओनली नीड वन, क्या होता है योनो का फुल फॉर्म, यू ओनली नीड वन, तो आपसे ये पूछा जा सकता है योनो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो योनो का फुल फॉर्म होता है यू ओनली नीड वन, ठीक है, आप इसको याद रखो क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो योनो किसका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये है एसबीआई का। 24 नवंबर 2017 को अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता, यानी अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसको मिला, रितु फोगाट, गीता फोगाट, कविता देवी या बबीता कुमारी, ये है रितु फोगाट, ठीक है, रितु फोगाट को अंडर 23 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक मिला। 25 नवंबर 2017 को ओजोन अवार्ड 2017 किसने जीता, यानी 2017 का ओजोन अवार्ड किसको मिला है, अनिल माधव दवे, चंद्रभूषण, डाउन टू अर्थ या ऑल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी 25 नवंबर को ओजोन अवार्ड दिया गया है, ये अवार्ड दिया जाता है यूएन के द्वारा। ओजोन अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करके रख लो, ओजोन अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है यूएन के द्वारा, ठीक है, और इसमें इस बार मिला है अनिल माधव दवे जो भारत के हैं, चंद्रभूषण ये भी भारत के हैं, और डाउन टू अर्थ ये एक मैगजीन है, ठीक है, तो डाउन टू अर्थ एक मैगजीन है, इसको भी इस बार का ओजोन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, मीडिया के क्षेत्र में दिया गया है डाउन टू अर्थ मैगजीन को, ठीक है, तो आप ये तीनों नाम याद रखो, अनिल माधव दवे, चंद्रभूषण और डाउन टू अर्थ, इन तीनों को मिला है ओजोन अवार्ड 2017 जो यूएन के द्वारा दिया जाता है। 25 नवंबर 2017 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2017 का उद्घाटन किया, यानी गीता महोत्सव 2017 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या उत्तराखंड, तो गीता महोत्सव का उद्घाटन किया गया हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ, तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, ठीक है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसका उद्घाटन किया गया, गीता महोत्सव 2017 का। 25 नवंबर 2017 को दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज का नाम बदलकर वंदे मातरम रखा गया है, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है उसका नाम बदलकर रख दिया गया है वंदे मातरम, दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज, रामजस कॉलेज, भारती कॉलेज या भीमराव अम्बेडकर कॉलेज, तो उसका नाम था दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज, दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज का नाम बदलकर रखा गया है वंदे मातरम कॉलेज। 26 नवंबर 2017 को किस राज्य की कैबिनेट ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों के बलात्कार दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा प्रस्ताव पारित किया है, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश, तो ये क्या है, मध्य प्रदेश सरकार ने, यानी कि 12 वर्ष से कम बच्चों का बलात्कारियों को फांसी की सजा सुनाई जा सकती है मध्य प्रदेश में। 26 नवंबर 2017 को एशियन मैराथन चैंपियनशिप खिताब किसने जीता, एशियन मैराथन चैंपियनशिप खिताब 2017 का किसको मिला, गोपी थानाकाल, खेताराम, नितेंद्र रावत या शिवनाथ सिंह, तो ये अवार्ड मिला है गोपी थानाकाल को, तो गोपी थानाकाल कौन है, ये है एशियन मैराथन चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले 2017 के। 26 नवंबर 2017 को मिस यूनिवर्स 2017 का खिताब किसने जीता, मानुषी चिल्लर, डेमी लेई नेल पीटर्स, कैटरीना ग्रे या एरिस मिते नायरे, तो मिस यूनिवर्स 2017 कौन चुनी गई है, ये है डेमी लेई नेल पीटर्स, डेमी लेई नेल पीटर्स को मिस यूनिवर्स 2017 का खिताब मिला। अब आप कमेंट में ये बताओ मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किसको मिला है। 26 नवंबर 2017 को
आईसीसी ने मैच के दौरान गेंद से छेड़छाड़ करने के आरोप में श्रीलंका के किस ऑलराउंडर पर जुर्माना लगाया है? यानी श्रीलंका का एक ऑलराउंडर प्लेयर है, उसने गेंद के साथ छेड़छाड़ किया था, तो आईसीसी ने उन पर जुर्माना लगाया है। उनका नाम क्या है? दसून सनाका, पुष्प कुमार, दिलरुबान पेरेरा या जीवन मेंडीज। तो उनका नाम है दसून सनाना। दसून सनाना पर मैच के दौरान गेंद के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था, जिसके कारण आईसीसी ने जुर्माना लगाया है उन पर। 27 नवंबर 2017 को टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेकर दुनिया के सबसे तेज बॉलर कौन बन गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 27 नवंबर 2017 को टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेकर दुनिया के सबसे तेज बॉलर कौन बन गए? रशीद खान, रविचंद्रन अश्विन, माइकल स्टार्क या जेम्स एंडरसन। तो वो हैं रविचंद्रन अश्विन, यानी आर अश्विन। आर अश्विन 300 विकेट लेकर क्या बने? या वर्ल्ड के सबसे तेज बॉलर बन गए। 27 नवंबर 2017 को किस राज्य सरकार ने फिश पॉन्ड योजना का नाम क्या है? फिश पॉन्ड योजना की शुरुआत की। तो किस सरकार ने फिश पॉन्ड योजना की शुरुआत की? महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो ये स्टार्ट किया गया ओडिशा सरकार के द्वारा। 27 नवंबर 2017 को केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? यानी 15वें वित्त आयोग का गठन 2017 में किया गया है, आपको ये बताना है उसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। राजीव महर्षि, हसमुख अधिया, एनके सिंह या अमिताभ कांत। तो उनके अध्यक्ष हैं एनके सिंह। पंकज आडवाणी किस खेल से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको शायद आता भी होगा। पंकज आडवाणी क्या खेलते हैं? शतरंज, स्नूकर, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस। वो खेलते हैं स्नूकर। पंकज आडवाणी स्नूकर से हैं और उनको वर्ल्ड स्नूकर प्रतियोगिता का खिताब मिला है 2017 का। ठीक है, 2017 का वर्ल्ड स्नूकर प्रतियोगिता का खिताब किसको मिला? वो मिला है पंकज आडवाणी को। 28 नवंबर 2017 को 48वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 120 बीट्स प्रति मिनट को मिला, वह किस विषय पर आधारित था? यानी कि 48वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको चुना गया? 120 बीट्स पर मिनट को सर्वश्रेष्ठ मूवी चुना गया है। अब आपको ये बताना है कि वह किस विषय पर आधारित है? कैंसर, ब्लड प्रेशर, एड्स या डायबिटीज। तो वह आधारित है एड्स पर। ठीक है, अब हम लोगों ने पिछले वीडियो में यह पढ़ा था क्या भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का उद्घाटन किस फिल्म से हुआ था, यानी उसका शुरुआत किस फिल्म से हुआ था। अब कमेंट में आप ये बताओ उसका शुरुआत किस फिल्म से हुआ था। 26 नवंबर 2017 को लोकसभा की पहली महिला सचिव किसे नियुक्त किया गया? यानी लोकसभा की पहली महिला सचिव कौन नियुक्त की गई है? सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, ललिता कुमार मंगलम या स्नेहलता श्रीवास्तव। तो वो है स्नेहलता श्रीवास्तव। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, लोकसभा की पहली महिला सचिव है, ये लोकसभा की अध्यक्ष नहीं है। अगर लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष पूछी जाए तो वह है मीरा कुमार, लेकिन ये पूछा जा रहा है लोकसभा की पहली महिला सचिव। तो पहली महिला सचिव जो अभी नियुक्त हुई है 2017 में वो कौन है? तो वह है स्नेहलता श्रीवास्तव। 29 नवंबर 2017 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? 52.24 करोड़, 36.38 करोड़, 40 करोड़ या 72.1 करोड़। तो प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर कितने का चार्जेस लगाए, कितने का जुर्माना लगाया? तो वो है 52.24 करोड़। ठीक है, यानी 52 करोड़ के आसपास उन पे जुर्माना लगाया गया है। किन पर? तो BCCI पर, प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। 29 नवंबर 2017 को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किस भुगतान बैंक को औपचारिक रूप से लॉन्च किया? अरुण जेटली के द्वारा एक बैंक को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। ये बैंक पहले से थी लेकिन औपचारिक रूप से अभी लॉन्च किया गया 2017 में। वो कौन सी बैंक है? लक्ष्मी विलास बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, पोस्ट पेमेंट बैंक या कोटेक महिंद्रा बैंक। तो वो है पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम हम लोग पहले से यूज कर रहे थे लेकिन आधिकारिक रूप से पेटीएम पेमेंट बैंक, अब पेटीएम बैंक भी बन गया। पहले एक वॉलेट की तरह सिर्फ यूज करते थे लेकिन अब पेटीएम का बैंक है जिसका नाम है पेटीएम पेमेंट बैंक। तो पेटीएम पेमेंट बैंक का उद्घाटन 2017 को हुआ और इसका औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था अरुण जेटली के द्वारा। 30 नवंबर 2017 को संपन्न ग्लोबल उद्यमिता सम्मेलन 2017 का आयोजन कहाँ हुआ था? ग्लोबल उद्यमिता सम्मेलन 2017 का आयोजन कहाँ हुआ था? बेंगलुरु, देहरादून, काशी या हैदराबाद। तो इसका आयोजन हुआ था हैदराबाद में। हैदराबाद में
ग्लोबल उद्यमिता सम्मेलन 2017 का आयोजन हुआ था। 30 नवंबर 2017 को किस मूल्य के मुद्रा नोट ने 100 साल पूरे किए, यानी किस नोट का 100 साल पूरा हुआ है 30 नवंबर 2017 को? 100 रुपए के नोट का, 50 रुपए के नोट का, 10 रुपए के नोट का या 1 रुपए के नोट का? तो 100 साल पूरा हो गया 1 रुपए के नोट का। 1 दिसंबर 2017 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया गया, यानी 1 दिसंबर को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? विश्व युवा दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जल दिवस? तो वो हम लोग मनाते हैं विश्व एड्स दिवस के रूप में। 1 दिसंबर 2017 को दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? दुर्गा प्रसाद, प्रदीप कुमार सिंह, हसमुख अधिया या अंशु प्रकाश? तो ये चुना गया है अंशु प्रकाश को। अंशु प्रकाश को दिल्ली का मुख्य सचिव चुना गया है 1 दिसंबर 2017 को। 1 दिसंबर 2017 को इन्फोसिस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इन्फोसिस एक बहुत बड़ी कंपनी है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका नया कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त हुआ है। तो आपको ये बताना है उनका नाम क्या है। सलील पारेख, राजीव राय भटनागर, राजेंद्र सिंह या KK शर्मा? तो वो है सलील पारेख। सलील पारेख कौन है? सलील पारेख इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO हैं, जिनका नियुक्ति हुआ है 1 दिसंबर 2017 को। 1 दिसंबर 2017 को सरकार ने सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड की दर कितना रुपए प्रति ग्राम तय किया, यानी सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड, एक स्वर्ण बॉन्ड है जिसका नाम है सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड, इसका दर क्या निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा 1 दिसंबर 2017 को? 2950 रुपए, 2952 रुपए, 2955 रुपए या 2970 रुपए? तो इसका मूल्य फिक्स किया गया है 2952 रुपए। 2952 रुपए प्रति ग्राम फिक्स किया गया है सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड की कीमत सरकार के द्वारा। 1 दिसंबर 2017 को आयुध कारखाना बोर्ड यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड, आयुध कारखाना बोर्ड क्या हुआ? ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गुरदीप सिंह, के भट्टाचार्य, SK चौरसिया या राजीव शर्मा? ये हैं SK चौरसिया। SK चौरसिया को ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है 1 दिसंबर 2017 को। 1 दिसंबर 2017 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसामा में किस राज्य के हॉर्नबिल महोत्सव और राज्य स्थापना दिवस आयोजन का उद्घाटन किया, यानी किसामा एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हॉर्नबिल महोत्सव का शुरुआत हुआ और किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो आपको ये बताना है कि वह किसामा जगह कहाँ है, वह किसामा डिस्ट्रिक्ट किस राज्य में है और हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का है? नागालैंड, मिजोरम, पुदुचेरी, सिक्किम? तो ये है नागालैंड का। नागालैंड का एक फेस्टिवल है हॉर्नबिल महोत्सव। तो आप इसको याद रखो सिर्फ यही कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का है, तो वो है नागालैंड। 1 दिसंबर 2017 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इस आयोजन का उद्घाटन किया गया और कहाँ किया गया 2017 में, कहाँ किया गया? किसामा में। ठीक है, एक्चुअली में हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है। ठीक है, ये आप जो देख पा रहे हैं इस फिगर में जो पक्षी है, इस पक्षी का नाम है हॉर्नबिल और इसी के नाम पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। 1 दिसंबर 2017 को भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास अजय वॉरियर 2017 का प्रारंभ हुआ? तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है अजय वॉरियर 2017 किनके बीच हुआ? तो ये भारत और किस देश के बीच में हुआ? नेपाल, म्यांमार, क्यूबा, UK? तो अजय वॉरियर्स ये भारत और UK के बीच में होता है। ठीक है, और 2017 में ये हुआ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज नियर बीकानेर ऑफ राजस्थान, यानी और ये कहाँ हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। ठीक है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जो है बीकानेर में, राजस्थान में। 2 दिसंबर 2017 को किस समुदाय को 5% आरक्षण देने संबंधी बिल आंध्र प्रदेश विधानसभा में पारित हुआ? ठीक है, तो आपको ये पूछा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में एक बिल पारित हुआ एक समुदाय के लिए जिनको 5% रिजर्वेशन दिया जाएगा, वह कौन सा समुदाय है? पटेल समुदाय, कुमाती समुदाय, कापू समुदाय या तेलागा समुदाय? तो वो है कापू समुदाय। कापू समुदाय ये आंध्र प्रदेश का एक समुदाय है जिनको 5% रिजर्वेशन दिया जाएगा।
2 दिसंबर 2017 को मिस सुपर नेशनल 2017 का खिताब किसने जीता? मानसी चिल्लर, जेनी किम, आदिति मिश्रा, सना दुआ। तो वह है जेनी किम। जेनी किम ये मिस कोरिया भी हैं, ठीक है, मिस कोरिया ये क्या है, और मिस कोरिया, तो मिस कोरिया है कौन, जेनी किम। इनको 2 दिसंबर को मिस सुपर नेशनल 2017 चुना गया। 3 दिसंबर 2017 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व उपभोक्ता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस। तो 3 दिसंबर को हम लोग किस रूप में मनाएंगे, तो वह है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर 2017 को किसे नौसाद सम्मान से सम्मानित किया गया? कौन सा सम्मान है, नौसाद सम्मान। नौसाद सम्मान से किसको सम्मानित किया गया, रेखा, हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित या जया भारती। तो नौसाद सम्मान से 3 दिसंबर को किसको सम्मानित किया गया है, तो वो है हेमा मालिनी। हेमा मालिनी को नौसाद सम्मान से सम्मानित किया गया है। 3 दिसंबर 2017 को ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने भारत के सहयोग से विकसित किस परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया? अमीराबाद परियोजना, हरित बंदरगाह परियोजना, चबाहर बंदरगाह परियोजना या सागरमाला परियोजना। तब सबको पता है पिछले साल ईरान ने भारत के साथ मिलकर एक परियोजना की शुरुआत की थी, उसका नाम है चबाहर बंदरगाह परियोजना। 3 दिसंबर 2017 को किस राज्य में फांसी की सजा देने वाले विधेयक को मंजूरी मिली? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो राज्य है मध्य प्रदेश। ये था हमारा आज का टॉप 40 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने अपने करंट अफेयर्स सीरीज में लिए। आप ऐसे वीडियो को देखते रहो। टेक केयर, बाय बाय।